आज मैं आप लोगों को एक अच्छे यूट्यूबर और एक दोगले यूट्यूबर के बीच का फर्क समझाऊंगा एंड साथ में ही बात करेंगे कि कैसे जो फ्री फायर के यूट्यूबर्स हैं वो अपने ही ऑडियंस को चूतिया बनाते हैं। अब हाल में ही हुए बिंजेट एंड पागल एमटेन के कंट्रोवर्सी के बारे में तो तुम लोगों को पता ही होगा। आज मैं इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि आज तक किसी ने भी अपने वीडियोस में नहीं बताया। मतलब इस टॉपिक के ऊपर इतने सारे क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए, इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन किसी ने भी वो पॉइंट्स नहीं बताए जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड अगर तुम लोग भी मेरे पॉइंट्स से सहमत हो तो कांग्रेचुलेशन, तुम पिकाचू ऑडियंस नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं कि एक अच्छी यूट्यूबर और एक दोगले यूट्यूबर में क्या फर्क है। एग्जांपल के लिए इसी कंट्रोवर्सी को उठाते हैं तो ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था वो हुआ था पागल एमटेन और बिंजेट के बीच में। तो यहां पे पागल एमटेन एक ऐप का प्रमोशन किया था जो कि एक स्कैम ऐप था, ठीक है, एंड इसके ऊपर बिंजेट ने एक वीडियो बनाया कि भाई पागल एमटेन स्टार गेमर ये लोग जो ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं उसे आप डाउनलोड मत करना क्योंकि उसके साथ आपके डेटा जो है वो चोरी हो सकता है, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। एंड इसके बाद जब पागल एमटेन को हेट मिला तो वो लाइव पे आके बिंजेट को गाली देता है एंड इसके ऊपर फिर से रिप्लाई करता है बिंजेट बहुत ही प्यार से, मतलब जो गाली वाली दिया गया उसको पत्थरबाज भी बोला गया पागल एमटेन के द्वारा, लेकिन इसके ऊपर एक रिप्लाई वीडियो लाया बिंजेट एंड वो बहुत ही प्यार से उसका रिप्लाई दिया, ना तो गाली दी उसने वीडियोस में, ना ही कुछ बोला, बस अपने ऑडियंस को बोला कि भाई मैं सच बता रहा हूं तो ये लोग मुझे गाली वाली दे रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद वो इस कंट्रोवर्सी से दूर चला गया जबकि ये कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई एंड अगर बिंजेट चाहता तो इस कंट्रोवर्सी के ऊपर और भी 2-3 वीडियो जा सकता था, वो सिंपथी ले सकता था कि भाई मैं सच्चाई बता रहा हूं तो मुझे गालियां दिया जा रहा है, पत्थरबाज बोला जा रहा है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा क्रिएटर है, उसको सिर्फ अपनी ऑडियंस का फिक्र है, उसको सिर्फ ये लगा कि भाई मेरे ऑडियंस के साथ कहीं स्कैम ना हो जाए, मेरे ऑडियंस के साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए उसने सिर्फ एक वीडियो बनाया और बोला कि भाई आप इस ऐप को डाउनलोड मत करना क्योंकि इसके साथ आपका स्कैम हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है, इसके साथ डेटा चोरी हो सकता है, एंड बस वो इस कंट्रोवर्सी से दूर चला गया जबकि उसको गाली सुनने को मिला, सब कुछ सुनने को मिला, भाई बहुत कुछ बोला है पागल एमटेन ने, लेकिन वो इस कंट्रोवर्सी में और नहीं पड़ा और निकल चुका है क्योंकि वो एक अच्छा क्रिएटर है। ये है एग्जांपल एक अच्छे क्रिएटर का, लेकिन यहीं पे एक दोगला क्रिएटर का एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि है बॉस ऑफिशियल। उसने करीबन पागल एमटेन के ऊपर 7 से 8 वीडियो डाल चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों चैनल मिला करके 10 भी डाल चुके होंगे भाई, जबकि उसको इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, मानता हूं भाई कि उसने फेक ऐप का प्रमोशन किया तो तुमको बुरा लगा, तुम अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे थे, तो ऐसा तो नहीं था कि पागल एमटेन ने ही इकलौता उसका प्रमोशन किया, सबीर ने किया, तुम सबीर के ऊपर कितने वीडियो बनाए, स्टार गेमर ने किया, स्टार गेमर के ऊपर तुम कितने वीडियोस बनाए, नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, क्योंकि पागल एमटेन के नाम पे तुमको व्यूज मिल रहा था, इसने जितने भी वीडियोस बनाए पागल एमटेन के नाम पे उस पे इसको अच्छे खासे रीच मिले हैं, तो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है भाई कि मेरे ऑडियंस के साथ क्या हो रहा है, इसको फर्क पड़ता है कि मेरे व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अगर इसके व्यूज आएंगे तो ये उसी टॉपिक के ऊपर 10 वीडियो बनाएगा, और ये इकलौता नहीं है, इसका बेटा भी एक है, हाँ उसका नाम है बेटू आईडी, उसने भी सेम यही काम किया है भाई, उसने भी करीबन 7-8 वीडियो बनाए, इसने भी 7-8 वीडियो बनाए, तो ये है एक दोगला क्रिएटर, इसको कोई मतलब नहीं था इस कंट्रोवर्सी में पढ़ने का, जिसके साथ मेन कंट्रोवर्सी हुआ, जिसको मेन व्यूज मिल सकता था, जिसको ज्यादा सब्सक्राइबर मिल सकते थे बिंजेट भाई को, बिंजेट ने इस कंट्रोवर्सी से दूर हो गया, मतलब क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं है ना भाई, उसको कंट्रोवर्सी थोड़ी करना है, उसको बस रियलिटी बताना था कि ये रियलिटी है, आप मत करना क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वो बताया और चला गया। लेकिन कुछ दोगले क्रिएटर्स बैठे हैं जो कि वीडियोस में केवल आके वही कर रहे हैं भाई कि तू ये है, तू हैक लगाता था, तू गलत कर रहा है, तू गालियां दे रहा है, ये कर रहा है, बस वही जो हर क्रिएटर बता सकता है आपको, कोई भी वीडियो देख के यही बोलेगा भाई कि हाँ पागल एमटेन की गलती थी, वही चीजें अपनी वीडियोस में बता रहा है, हर वीडियो में वही घुमा फिरा के 7-8 वीडियो बना चुका है, लेकिन ये रियलिटी नहीं बता रहा है। अगर तुमको इतना ही परवाह है अपनी ऑडियंस का और अगर तुमको इतना ही बुरा लग गया कि ये लोग फेक ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं तो तुम सबीर को क्यों नहीं बताए, सबीर के ऊपर 10 वीडियो बनाओ ना भाई, तब जानूंगा ना, स्टार गेमर के ऊपर बनाओ, पर नहीं, तुम्हारा जिसके ऊपर व्यूज आ रहा है तुम उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो, और इसने सबीर को एक्सपोज किया एक वीडियो में, उसने नाम लिया लेकिन क्या बोला कि सबीर भाई तुमसे ये उम्मीद नहीं था, तो भाई ये दोगला पंती अपनी जगह पे रखो। और उससे तुम जस्ट एक दिन पहले देखना, इसने एक वीडियो डाला है जिसमें ये बताया कि सबीर जो है वो बॉस गिल्ट लीव कर दिया है, तो तुम यहां से देखो कि कैसे ये तुम्हारा ब्रेन वॉश करते हैं। एंड इसने पता है ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ये लोग रट्टा लगाते हैं ना बॉस ब्रांड उसके ऊपर धब्बा ना आए, इसके लिए उसने पहले ही वीडियो बना के डाल दिया कि सबीर बॉस गिल्ड लीव कर दिया, ताकि बॉस गिल्ड का नाम खराब ना हो कि वहां पे क्रिएटर्स ये हैं वो हैं हमारा दोस्त ये सब कुछ नहीं भाई। तो ये तुम्हारा माइंड वॉश कैसे कर रहे हैं, कैसे ब्रेन वॉश हो रहा है तुम्हारा, कैसे तुम लोगों को चूतिया काटा जाता है, तो यही है फर्क एक अच्छे क्रिएटर और एक दोगले क्रिएटर के बीच में। ये एग्जांपल है तुम्हारे सामने, तुम देखो और समझो और अभी भी तुम सोचो कि तुमको किसे सपोर्ट करना है, अच्छे क्रिएटर्स को, बिंजेट जैसे क्रिएटर्स को, या फिर ऐसे दोगले क्रिएटर्स जो कि सिर्फ अपने व्यूज देखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे फ्री फायर के जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने ही ऑडियंस को चूतिया बनाते हैं। एग्जांपल के लिए तुम इसी फेक ऐप के प्रमोशन का ले लो, इस ऐप का प्रमोशन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया, बड़े यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर, एवरेज यूट्यूबर, हर किसी ने इस ऐप का प्रमोशन किया, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स का नाम ज्यादा
हाईलाइट हुआ तो कुछ लोग जो है वो चुपचाप से ऐप का प्रमोशन किए, पैसे लिए और कोने में चुपक के बैठ गए, उनका नाम ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। और जिन यूट्यूबर्स का नाम ज्यादा हाईलाइट हुआ उन लोगों ने अपनी ऑडियंस को क्या बोला कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये जो ऐप है वो स्कैम ऐप है। उन लोगों ने सॉरी वॉरी बोला एंड बोला कि जो भी पैसे मुझे मिले हैं 2-3 लाख रुपए जो भी उनको मिले स्पॉन्सरशिप के, उन लोगों ने बोला कि इसमें से कुछ हिस्से का हम गिव अवे कर देंगे। तो देखो भाई ये जो गिव अवे वाला लॉलीपॉप है ना ये सरासर दोगलापंती है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को पहले से पता था कि तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो भी इन लोगों ने बोला ना कि डायमंड्स मिलेंगे, इनको पहले से पता था कि डायमंड्स नहीं मिलेगा। एंड कुछ लोगों ने तो ऐसा कहानी बना दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि किस चीज़ का स्पॉन्सरशिप करना है, मेरे दोस्त ने बोला तो मेरे मामा के लड़के ने बोला फलाना ढिमकाना, इस प्रकार की कहानियां बनाई। तो ये सब चीजें दोगलापंती, ये सब चीजें अपने ऑडियंस को चूतिया बनाने वाली चीजें, क्योंकि इन सबको हर चीज के बारे में पता होता है। जो भी ऐप आती है प्रमोशन के लिए वो खुद बोलती है इन लोगों को कि ऐसे ऐसे करना है एंड आपको इससे डायमंड नहीं मिलेगा आपकी ऑडियंस को, लेकिन आपको ऐसे ऐसे बोलना है। और यही चीज था एंड उन लोगों ने टर्म एंड कंडीशन रखा था 24 घंटे का। तो कुछ लोग ये भी लॉजिक दे रहे कि मैंने 24 घंटे के बाद डिलीट कर दिया जब मुझे पता कि चला कि ये स्कैम ऐप है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐप के टर्म एंड कंडीशन में था कि आप 24 घंटे के बाद वीडियो डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब सरासर अपने ऑडियंस को चूतिया बनाना है। और मुझे एक बात बताओ भाई कि तुम जो ऑडियंस को गिव अवे करोगे तो क्या तुम हर ऑडियंस को गिव अवे दोगे? हर किसी ने डाउनलोड किया ना, तुम्हारे 5-10 हज़ार ऑडियंस ने तो डाउनलोड किया ना, तो क्या तुम उन लोगों को हर किसी को गिव अवे दोगे? और चलो ठीक है गिव अवे तुम कर भी रहे हो सही है, ठीक है वहां तक चलता है। तो ये लॉलीपॉप से कुछ जो ऑडियंस है वो उनका माइंड हो जाएगा कि हाँ नहीं ये लड़का बहुत ही अच्छा है, गिव अवे कर रहा है, सॉरी बोल रहा है, मतलब कुल मिला के हमारे अब्बा हो गए। तो कुछ ऑडियंस तुम्हारे लिए डाइवर्ट हो भी सकती है, लेकिन भाई तुम ये दिमाग लगाओ कि कोई ऐप सिर्फ 5 और 10 हज़ार डाउनलोड्स के लिए लाखों रुपए क्यों देगा? जाहिर सी बात है तुम्हारा कुछ डेटा चोरी हो रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस चीज़ से डेटा चोरी नहीं होता है, हम ही अनपढ़ गवार हैं जो तुम लोगों को बता रहे हैं कि डेटा चोरी हो सकता है। और तुम खुद दिमाग लगाओ ना भाई कि 5 हज़ार 10 हज़ार डाउनलोड्स के लिए कोई 2-3 लाख रुपए देता है क्या? इतनी कौन सी महंगी कंपनी है, मतलब लूट जाएगी ना वो। और तुम खुद दिमाग लगाओ, जो इन लोगों ने बोला कि हर किसी को डायमंड मिलेगा, तो कौन सा ऐप है भाई जो केवल डाउनलोड करने पे इतने डायमंड देता है? तो यहाँ पे तुम लोगों का सरासर चूतिया काटा गया है, ठीक है। और ये जो दोगलापंती है ना कि सॉरी बोल रहे हैं वो भी अपने चैनल पे नहीं जाके किसी और के चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे सॉरी बोल रहे हैं, तो ये सब सरासर दोगलापंती है। तुम एक वीडियोस बनाओ उसमें बताओ कि हाँ सॉरी बोल रहे हैं, तो शायद तुम लोग को रिग्रेट हो अपनी गलती का, तो माफ़ी भी मिले। भाई ये तो दोगलापंती है कि मैं गिव अवे कर दूंगा, किसको गिव अवे करोगे? और चलो ठीक है गिव अवे करोगे भी तो कुछ लोग करेंगे ना, बाकी जो प्रमोशन किए वो कहाँ गए, उनको वो कहाँ कर रहे हैं गिव अवे? वो तो चुपचाप बैठे ना, सबीर भी किया चुपचाप से देखो बैठा हुआ है ना, तो वो गिव अवे अनाउंस कर रहा है ना, कुछ किया कुछ भी नहीं कर रहा है ना। और उसके ऊपर ये वीडियो नहीं बनाएगा बॉस ऑफिशियल जो है, उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा, ये बनाएगा किसके ऊपर? पागल एमटन, क्योंकि उसको व्यूज चाहिए। ये सब दोगलापंती भाई, और ये तुमको समझना पड़ेगा। ये लोग ना कम्युनिटी को इतना गंदा कर दिए हैं अपने व्यूज के लिए, अपने लालच के लिए, कि तुम लोगों को ये बेच खाने पे तुले हुए हैं। और अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हमको उल्टा हेट मिलेगा, तुम लोग आके बोलोगे तुम्हारी औकात क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो देखो सिंपल सी चीज है भाई, निब्बे तुम हो हम नहीं, ठीक है। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, ठीक है। कम्युनिटी अभी भी सुधर सकता है, अगर तुम सुधरोगे तो कम्युनिटी सुधरेगी। तो ऑडियंस ही जब अब चूतिया बनने के लिए तैयार है भाई, तो कोई चूतिया क्यों नहीं बनाए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी। एंड देखो ये सब मेरे पॉइंट्स थे, पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, जो भी मेरा था अपना लॉजिक जो कुछ भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड अगर आप लोग इस बातों से सहमत हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सहमत नहीं हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, होप तो कि आपको ओवरऑल वीडियो पसंद आया होगा, ओवरऑल वीडियो का थीम जो था वो पसंद आएगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो पहली बार हो चैनल पे तो। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। धुंधली धुंधली सी राहें हैं, राहों पे काले साए हैं, सब चेहरे इंसानों से पर हाथ बड़े शैतानों से, ना पढ़ने देंगे सांसों को जहर बना देंगे।